हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी रियल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया से हर्बल शैम्पू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये शैम्पू है जो आज हम बनाने वाले हैं, ये ऑल नेचुरल शैम्पू है और बहुत ही अच्छा झाग भी देगा और क्लीन भी कर देगा बालों को। फ्रेंड्स, इस शैम्पू को आप एक बार बना के कम से कम 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आसानी से जब भी इच्छा हो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ लेके। देखिए, आधे चम्मच के करीब मैंने लिया है और इसको पानी में डालेंगे और ये देखिए कितना सारा झाग निकल के आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन भी कर देगा फ्रेंड्स। और साथ के साथ इसमें एक बढ़िया बात और है शैम्पू में कि ये आप एज अ क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फेस में, हाथ में टैनिंग हो गई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल भी इसके अंदर ग्रेन्स नहीं है। और आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल हल्का सा अपने हाथ पर लगाया है और हल्का सा रब किया है और अभी आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये टैनिंग हटाता है, दाग धब्बे हटाता है फेस से। तो आप एज ए फेस वॉश भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फुल बॉडी वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों हाथों में कितना फ़र्क आ गया है कलर में। ये देखिए, एकदम से ये टैन रिमूव कर देता है और 1 से 2 शेड लाइट भी कर देता है स्किन को। तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू प्लस क्लेंज़र है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 तरीके के चीज़ें ली हैं जो कि इस शैम्पू को बनाने में हमें काम आएंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ, शिकाकाई है। शिकाकाई मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब। और शिकाकाई होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, शाइन के लिए। इससे जो आपके बाल हैं वो सिल्की हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब ही आंवला लिया है। और आंवला एज यू ऑल नो विटामिन सी में हाई होता है। विटामिन सी से बाल जो हैं बहुत ही अच्छे मजबूत बनते हैं। आंवला बालों को काला भी कर देता है अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो, और झड़ना भी बंद हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने लिया है सोपनट। तो यहाँ 200 ग्राम के करीब मैंने सोपनट लिया है और इसको हिंदी में आरीठा बोलते हैं। और आरीठा जो है वो नेचुरल सोप का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर होता है, इससे बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बाल साफ़ हो जाते हैं, झाग भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं शैम्पू बनाना। इसके लिए फ्रेंड्स, हमको शिकाकाई, आंवला, आरीठा को पीस के पाउडर बना लेना होगा। वैसे तो फ्रेंड्स बाज़ार में भी पाउडर मिलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी नेचुरली ये घर पे लाके पीसिए। उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ मिलेगी, आपके बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी। अक्सर बाज़ार के जो पाउडर्स होते हैं उसमें भी फिलर्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। तो यहाँ मैंने देखिए शिकाकाई को पीस लिया है। और अब सोपनट को पीसने से पहले इसके बीज निकाल लेंगे हम, ताकि जो मिक्सी है हमारी वो पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। इसके अंदर बहुत ही मोटे कंचे जैसे बीज होते हैं, तो उनको आप इस तरीके से निकाल लीजिए। और उसके बाद आप जो सारा का सारा जो सोपनट है इसको आप मिक्सी में डाल के और पीस लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छा झाग बनता है। तो यहाँ मैंने देखिए निकाल लिया है और अब इसको मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये बहुत ही ईजी शैम्पू है, बहुत ही सस्ता भी है और बिल्कुल शैम्पू जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा देखने में और लुक वाइज और टच करने में बिल्कुल बाज़ार जैसा शैम्पू होगा। और यहाँ पे देखिए आंवला है, तो आंवले को भी मैं इस तरीके से मिक्सी में पीस लूँगी। आप हैवी मोटर वाली मिक्सी यूज़ कीजिए। बहुत ही आसानी से देखिए तीनों के पाउडर हमने घर में बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे तीनों पाउडर्स बनके तैयार हो गए हैं। आइए अब शुरू करते हैं मेन शैम्पू बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही बड़ा सारा भगोना लिया है और इसके अंदर कम से कम मैंने 3 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। और अब इसके बाद मैं तीनों के तीनों जो पाउडर हैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको बॉइल करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा बॉइल आ जाए। और इसको मिक्स कर लेते हैं पहले तो। और देखिए अभी से झाग आने लग गया है और बहुत ही अच्छा शैम्पू बनने वाला है। तो इसको मैं बॉईल करने के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। अभी हम इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट बाद में और डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी वो है ये, इसका नाम है अलसी। अलसी हम 200 ग्राम के करीब लेंगे और ये जो अलसी है इससे ही जो है आपके शैम्पू का टेक्सचर है वो ऐसा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा जैसे कि बाज़ार के शैम्पू में होता है। अलसी क्या है, किसी भी चीज़ को जेल में कन्वर्ट कर देती है। इसमें ओमेगा 3 बहुत हाई क्वान्टिटी में होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। इससे आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे
और जो शाइन आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस अलसी को भी अच्छे से पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, और ये जो है देखिए हमारा ये शैम्पू बॉयल होने लग गया है। अब इसके अंदर मैंने अलसी भी डाल दी है, और अलसी डालने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 लीटर के करीब पानी और डाल रही हूँ। तो इन टोटल इसके अंदर मैंने 4.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। तो ये अच्छा खासी क्वांटिटी में शैम्पू आपका बनेगा, और बहुत सारे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी कि आप इसको 2 to 3 months यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा, और इसको अभी हम बॉयल होने देंगे, मिक्स करते जाएंगे बीच बीच में और इसको बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है, और अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए जेल में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं जो मैं अभी इसको हिला रही हूँ, और ये बिल्कुल ही जेल जैसा फील हो रहा है। तो जैसे ही जेल जैसा फील होने लग जाए आप गैस बंद कर दीजिए, और इसको अभी हमको गर्मा गर्म ही छानना होगा। तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक भगोना टाइप रख दिया है, और इसके ऊपर मैं कुछ छानने के लिए कपड़ा टाइप रख दूँगी, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ हमारा ये शैम्पू छन के बाहर आ जाएगा। और हमको गर्म गर्म ही इसको छानना है, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो गया उसके बाद इसको छानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो अलसी है ये और ज़्यादा इसको जेल में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके सारा छान लिया है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जेल जैसा शैम्पू हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, कम से कम 3 महीने तक आप इसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा आप छोटे वाले किसी बोतल में निकाल के आप इसको बाथरूम में रख दीजिए, और जब भी इच्छा हो आप वॉश कीजिए अपने हेयर्स को, आप फेस को क्लीन कीजिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका झाग निकल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही मार्केट जैसे शैम्पू जैसा वर्क नहीं करेगा। इसमें झाग भी बहुत अच्छा आएगा, और इसका टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है बिल्कुल बाजार जैसे शैम्पू का। तो फ्रेंड्स, इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के लिए आपको बाल गीले कर लेने होंगे, उसके बाद आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से शैम्पू ले लेना है, अच्छे से बालों में रब करना है, थोड़ी सी देर के लिए मसाज करनी है, और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से धो लेना है। इस शैम्पू को आप सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और फेस को भी अच्छे से क्लेंस कीजिएगा इससे। तो ये देखिए टैनिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से उतरेगी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लेंस भी कर देता है, डिटैन कर देगा आपकी स्किन को, फेस को, दाग धब्बे बिल्कुल आसानी से हटा देगा। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी शैम्पू की। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको बाल झड़ने की दिक्कत है, या बहुत सारी और भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।